आपने चक दे इंडिया देखा होगा। चक दे इंडिया में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होना होता है तो शाहरुख खान अपने हॉकी खिलाड़ियों से कहते हैं कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट जिंदगी के 70 मिनट हैं, ये जिंदगी भर जो है तुमको याद रहेंगे। उसी प्रकार मंगलवार को नीतीश जी ने कहा कि 72 घंटे हैं विधायकों के पास कि पटना में ही रहें। 72 घंटा क्या नीतीश कुमार ने बोला, 72 घंटा में राजनीति जो बिहार का है वो हलचल से भरा रहा। जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में पहले आपको चरपत्ता का फौरन डालना पड़ता है, उसमें आपको जीरा भी डालना पड़ता है, बहुत लोग जो है हींग का भी छोका दे देते हैं, लेकिन जो खिचड़ी होती है उसमें अंतिम में पवित्री भी डाला जाता है, यानी घी डाला जाता है, घी डाला जाता है ताकि बढ़िया खिचड़ी बने। हमारे राइट हैंड में आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3-4 गाड़ी, वो नीतीश कुमार का घर है। और हमारे लेफ्ट हैंड में जो आप देख रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव का घर है। नीतीश जी ने कहा कि 72 घंटे में जो है सभी विधायक यहीं पे रहें, पटना में रहें, और खुद उछल गए राजगीर चल गए। और उसके बाद बिहार की राजनीति कैसे करवट ले रही है आप देखिए। पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन ये हुआ कि 72 घंटे में कहा गया कि लगता है कि जब जब नालंदा जाते हैं नीतीश कुमार तब तक सरकार बदलती है। 2017 में भी गए थे तो सरकार बदल गई थी। उसके बाद फिर आरसीपी सिंह आते हैं और कहते हैं कि भाई उनके जो कार्यकर्ता है उनके आवास के बाहर कहते हैं कि ललन सिंह से बड़कर नेता तो आरसीपी सिंह है, आरसीपी सिंह बहुत बड़ा नेता है, भारत सरकार में मंत्री है। आरसीपी सिंह रूस फूल करके फिर दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव कल रात को आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव आते हैं तो कहा जाता है कि जातीय जनगणना, राज्यसभा की सरकार बनेगी, इस पर बात होना है, नहीं होना है, क्या होना है, ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज 72वां घंटे का दिन है, यानी कि आज 72 घंटा खत्म हो जाएगा। लेकिन 72 घंटा में हुआ क्या क्या, पहला दिन हुआ कि नीतीश कुमार रूस करके चले गए राजगीर, विधायकों को कहे कि पटना में रहिए। दूसरा दिन आरसीपी सिंह आए, कहा गया कि भाई मामला कंफ्यूजन है, कोई पिंटू है, इंजीनियर पिंटू, सुनील कुमार पिंटू, वो जाएंगे राज्यसभा, फिर रूस करके वो चले गए। लेकिन कल फिर आरसीपी सिंह यहाँ पर आ गए। बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है, लालू प्रसाद यादव कल रात को यहाँ पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि जो बातें चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ जो है वो आएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बुलते हुए इसी रोडवा से बुलते हुए जो है वो इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास में गए थे। आगे 7 नंबर है और ये 10 नंबर है, यहां से वो बुलते हुए गए और कहा गया कि नया समीकरण बन रहा है, जातीय जनगणना जो है नीतीश कुमार एक्सक्यूज खोज रहे हैं बीजेपी से अलग होने के लिए। अब बीजेपी पे बात कर लेते हैं, कल तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं नहीं भैया जातीय जनगणना क्या होता है, गरीब और अमीर का मात्र जो है 2 कैटेगरी है हमारी नजर में और कोई नहीं। अब वही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे नहीं नहीं भाई हम 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक में जाएंगे, मिलेंगे, हम कहां इसका विरोध कर रहे थे, जातीय जनगणना का हमने विरोध कहां किया, विरोध करना होता तो सर्वसम्मति से हम पास करा देते। अब नीतीश कुमार 1 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक में अध्यक्षता के रूप में वहां बैठक होगी। अब तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि आज आएंगे, अब क्या डिसीजन होगा। लेकिन जो चीजें साफ हो गई, 2-3 चीजें बहुत साफ होती दिख रही। पहला कि जो नीतीश कुमार ने जो त्रुप का एक्का फेंका था बीजेपी पे और जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला था उसमें बीजेपी डाउन हो गई, यानी कि लालू जी का पोस्टर लगा हुआ है कि मैं झुकेगा नहीं, और बीजेपी जो है जातीय जनगणना के मामले पर झुक चुकी है। दूसरा, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, तेजस्वी यादव के लिए अब उन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई अब इनको नेतृत्व दे दिया जाए, 2020 में परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है हम ही सब कुछ हैं और हम ही सर्वोसर्वा हैं, और अभी भी वो 10 नंबर आवास में आराम फरमा रहे हैं। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या चाहते थे कि बीजेपी पर जो है एक तरह से प्रेशर डाला जाए ताकि बीजेपी ये फैसला ले कि जातीय जनगणना के लिए जो है वो सहमति दे, और साथ में क्या नीतीश कुमार ये प्रेशर डालने में कामयाब रहे, क्योंकि आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कुछ लक्षण जो है आरसीपी सिंह का बीजेपी में जाने का दिख रहा है। लेकिन अब जो है ये क्लियर हो गया कि आरसीपी सिंह जो है वो जदयू में ही रहेंगे, लेकिन राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे उसके लिए 4 दिन का शेष समय बचा हुआ है। लालू परिवार के यहाँ क्या हो रहा है, लालू परिवार के यहाँ हो रहा है, कोई कह रहा है कि मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगी,
कोई कह रहा है कि भाई राज्यसभा कौन जाएगा, कोई कह रहा है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर नहीं गया राज्यसभा तो इस बार बीजेपी आरजेडी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये 72 घंटों में अगर ये तीनों परफॉर्मेंस यानी बीजेपी जेडीयू और आरजेडी में देखे तो सेंचुरी एक ही आदमी मारा है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया कि भले हमारे पास 45 विधायक है लेकिन हम जो है अपने एजेंडे पर बार बार बीजेपी को झुकाते रहे, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने एनआरसी के मुद्दे पर जहां हर जगह बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही थी और सिक्सर मार रही थी, लेकिन यहां पे बीजेपी जो है नीतीश कुमार के राज में यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से यहां पे बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर भी पीछे आई और जातीय जनगणना पर भी बीजेपी जो है पीछे आई। यानी 72 घंटे में नीतीश कुमार को जो कराना था वो करा चुके हैं। जो अटकलें चल रही थी कि ये सरकार बनेगी वो सरकार बनेगी, फिलहाल दूर दूर तक कोई सरकार बनते नहीं दिख रही है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।